नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मिर्जापुर में देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। पंचमुखी महादेव जी के मंदिर बरिया घाट में धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया गया है। इस मौके पर देवालयों में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए श्रद्धालुओं की शिवालय मंदिरों पर कतारें लग गई हैं, जहां भक्तों ने लाइन लगाकर भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की। बरिया घाट श्री पंचमुखी महादेव का प्राचीन मंदिर है। यह आज 40 साल के वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री पंचमुखी महादेव जी का भव्य श्रृंगार कराया जाता है और शाम को 5 बजे श्री पंचमुखी महादेव जी महाराज जी का महादेव जी के साथ ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रमा राक्षस का तांडव और मस्तान की झांकी और भी झांकी, मतलब वो सनाई हो, भांगड़ा हो, तमाम प्रकार के झांकियों के साथ पंचमुखी महादेव का नगर के बीचों बीच होते हुए बगल गली वासुदेवगंज होते हुए जंकीगंज चौराहा गिद्धर चौराहा पेटी चौराहा घंटागढ़ होते हुए बरिया घाट पर समाप्त होता है। और आज के दिन नगरवासी यहाँ पंचमुखी महादेव का दर्शन करके पुण्य के भाग्य जाके काबिल होते हैं। बहराइच में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। सभी भक्त शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। सिद्धनाथ मंदिर में नगर भ्रमण पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकलेगी। पांडवकालीन सिद्धार्थनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर सिंगी रामपुर से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों ने किशनी कस्बे में मामूली बात पर जमकर मारपीट की। दरअसल कांवड़ियों की मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई थी। इसी बात पर कांवड़िया नाराज हो गए। कार चला रहे युवक और उसकी मां को कांवड़ियों ने लाठी डंडे से मारा। घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मामला सदर बाजार का है। तो मामूली बात पर मारपीट की गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कांवड़ियों ने जमकर मारपीट की। गाड़ी एक बाइक से टकरा गई, जिसके बाद काफी आक्रोशित हो गए कांवड़िए। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त करते हुए नजर आ रहे कांवड़िए इस कार को, और साथ ही कार चालक को भी जमकर पीटा गया है, जिसके बाद बुरी तरह से कार चालक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जहां सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी और साथ ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखी गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि चोरों ने एक मंदिर को निशाना बना लिया और उसमें लगा इन्वर्टर बैटरी और एलईडी चोरी करके ले गए, जबकि ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं लगातार दूसरी बार हुई चोरी से क्षेत्र में लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आज यहाँ जो है चोरी ताले तोड़ दिए गेट से और अंदर से कैमरे की एलईडी लगी थी वो ले गए, इन्वर्टर और बैटरा वो भी ले गए, दान पात्र रखे थे वो भी तोड़ दिए। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है आपका? ऐसे उससे तो नहीं बता सकते कि उसमें कितने थे या नहीं थे, वो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन ये तो सीधा सीधा है एलईडी इन्वर्टर बैटरा। अभी 2 महीने पहले हमने ये बैटरा इन्वर्टर एलईडी लगवाए तो कितने सस्ते जाएंगे अगर जाएंगे भी तो। पुलिस प्रशासन ने आप वहाँ आए थे, छानबीन कर गए हैं और बोले कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
श्रावस्ती में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि वो अपने जमीन में पानी निकालने का पाइप डाल रहे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। घायल को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जय जय राम मारे हैं। नाली की विवाद थी, कोई घर पे था नहीं और अकेले पा गए वो लोग और मार दिए घर भर मिलकर। अच्छा, किसी हमारे हमारे घर के कोई नहीं थे। किसी से मारे हैं? कड़ी के, जो कपड़ा का घर होता है कड़ी निकलता है उसी से मारे। ये अकेले थे घर पे? हाँ बता रहे हैं कड़ी। हाँ अकेले, अकेले थे घर पे, कोई नहीं था। मार के चले गए? हाँ मार के चले गए। हमारे छोर ससुर मारे हैं, लेटरिंग उठा रहा हमार, वही लेटरिंग के लिए नाली के वजह से मारी है। कौन चीज से मारी? अब ये कड़ी से मारी है। तो जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग पर हमला कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बुरी तरह से बुजुर्ग को मारा पीटा गया है। श्रावस्ती से ये खबर सामने आ रही है, जानलेवा हमला किया गया है बुजुर्ग पर। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं श्रावस्ती से। प्रदीप, क्या रहा पूरा मामला, किस वजह से जानलेवा हमला किया? देखिए आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के नवीन मार्डन थाना क्षेत्र का भटपुरवा का लगाव का पूरा मामला है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जो है ये अपने जमीन में पानी निकालने के पाइप डाल रहा था, जिसको लेकर वहां कोई नहीं था, वो अकेले थे, जिस पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। जी, तो इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए वहां सूचना पर मौके पर पुलिस तो पहुंच गई थी, लेकिन पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और घायल को जिन लोगों ने मारा उसको ढूंढ भी रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़े थे। खबर रायबरेली से है, जहां 6 महीने के अंदर 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव फांसी के फंदे से लटकते हुए मिला, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। बता दें कि गांव में 6 महीने के अंदर ये चौथी आत्महत्या की घटना है। जैसे जैसे छठा चरण नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट की अपील कर रही हैं। वहीं सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर नगर टांडा विधानसभा के प्रत्याशी कपिल देव वर्मा के पक्ष में जनता से वोट मांगते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक कमल का बटन दबाने से गरीबों को पक्का मकान दिलाने का रास्ता साफ हो जाएगा और साइकिल का बटन दबाने से जिन गुंडों को हमने 5 साल में जेल में भेज दिया है वो फिर निकलकर अराजकता फैलाएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, छठे चरण का चुनाव होना है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में 3 अलग-अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर महंगाई के मुद्दों को लेकर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार का 2 गुना विकास हुआ है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपए को पार कर जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पिछले 1 सप्ताह से कैंप लगाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जनपद के तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की। संजीव बालियान ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और यहीं का रहने वाला हूं, क्या समाजवादी पार्टी मुझे अपने प्रदेश से बाहर निकलवाएगी? ये समाजवादी पार्टी में हार की बौखलाहट है। उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, यहीं का रहने वाला हूं, क्या समाजवादी पार्टी मुझे अपने प्रदेश से भी बाहर निकलवाएगी? ऐसी बौखलाहट किस लिए? भाई उनके भी नेता चुनाव प्रचार में आते हैं, हमारे भी नेता चुनाव पर, कल अगर अखिलेश यादव आते हैं तो क्या मांग करें अखिलेश यादव को गाजीपुर में घुसने दिया जाए? तो ये तो बौखलाहट है कि हार की बौखलाहट है, आप ये कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। We'll be right back.
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो